हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करेंट अफेयर सीरीज के 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया, उर्जित पटेल या टीवी सोमनाथम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस या चीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोसेट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, जाक्सा के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। एक्सपोसेट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और एक्सपोसेट का लक्ष्य है ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में, इंदौर में, गांधीनगर में या जयपुर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। जयपुर में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार, हरियाणा राज्य सरकार, असम राज्य सरकार या गोवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य सरकार। असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है 35 जिलों के 43,498 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यह 1 जनवरी 2024 को गुजरात के 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को, 1 जनवरी को, 3 जनवरी को या 4 जनवरी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? बुरहानपुर को, लखनऊ को, लेह को या श्रीनगर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है। बुरहानपुर के मुख्य फसल केले के उत्पादन, व्यापार बढ़ाने और प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? कर्नाटक राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। इसका लक्ष्य है 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल, राहुल रसगोत्रा, अनिश दयाल सिंह या दिनेश के त्रिपाठी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश के त्रिपाठी। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन बनी है? हीना जायसवाल, रश्मि शुक्ला, इंदु मल्होत्रा या चंद्राणी मुर्मू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शुक्ला। महाराष्ट्र की पहली DGP रश्मि शुक्ला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? इटली, जापान, भारत और फ्रांस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश भारत बना है और पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? UAE, सऊदी अरब, ओमान या यमन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAE। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और UAE के बीच आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है? 15 मिलियन लोगों की, 25 मिलियन लोगों की, 75 मिलियन लोगों की या 35 मिलियन लोगों की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 मिलियन। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में
75 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2024 को अनुमानित वैश्विक जनसंख्या 8 बिलियन से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा या अरुणाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का तोहफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड या संयुक्त अरब अमीरात? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात का बना है। यूएई के पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर 180 है। दूसरे स्थान पर जर्मनी है, यानी कि आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात का है और उसके बाद जर्मनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, स्मृति ईरानी ने या अनुराग ठाकुर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। अमित शाह ने तुअर दाल खरीद पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के मदद से किसान खुद अपनी दाल ऑनलाइन बेच सकेंगे और भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? अनिश दयाल सिंह, मनोज पांडे, राजीव गौबा या तपन डेका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश दयाल सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक अनिश दयाल सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत GPT विकसित कर रहा है? IIT खड़गपुर के साथ, IIT मद्रास के साथ, IIT बॉम्बे के साथ या IIT रुड़की के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे। रिलायंस जियो IIT बॉम्बे के साथ भारत GPT विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, राजस्थान राज्य सरकार ने या झारखंड राज्य सरकार ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। यह आयु पहले 60 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है? पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, त्रिपुरा राज्य के, असम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा या नागालैंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू की गई है? चिल्का झील, सोगंबा झील, लोकटक झील या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या पुद्दुचेरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन को शुरू किया है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन को शुरू किया है। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।